हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। चलिए देखते हैं कि आपके साथ आपके पर्सन फ्यूचर देखते हैं या नहीं। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ठीक है, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं या नहीं देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम। ठीक है, तो कार्ड्स बता रहे हैं आपके कि आपके जो पर्सन हैं, देखो आपके पर्सन के सामने बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में आने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। ठीक, इनको जो है ना उन सारे चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप दोनों का फ्यूचर बन सकता है, आपका और इनका फ्यूचर बन सकता है। तो आपके साथ आपके पर्सन फ्यूचर तो देखते हैं, अभी की एनर्जी दिखा रही है कि लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काफ़ी मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल है कि ये पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हो सकता है, लेकिन जब तक ये कर पाएंगे तब तक ये करेंगे। ठीक, तो ऐसी एनर्जी है। चलो कार्ड्स, इन कार्ड्स की बात करते हैं, देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आए हैं। तो कंफर्ट का कार्ड है, ओके, सैक्रल चक्र, ओके, बैलेंस, वाओ, हीलिंग बींग्स, ओके, एंड है सैडनेस एज आइसोलेशन। ठीक है, तो कार्ड्स की एनर्जी बता रही है आपकी, आपके जो पर्सन हैं इनकी एनर्जी के अनुसार से देखो क्लियर कार्ड्स आए हैं। आज की रीडिंग में बता रहे हैं कार्ड्स की आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, इनकी फैमिली का भी मानना नहीं हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कई बार आप जो है इनको झुंझलाकर बोल देते हैं, या फिर ये कभी कभी आपको इस तरीके से बोल देते हैं जिस तरीके से आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो। ठीक, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशूज़ भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये पर्सन का मेंटली डिप्रेशन रहा है, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखो आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं ये पर्सन, और आपको तकलीफ़ दिया है इस पर्सन ने, आपको बहुत तकलीफ़ दिया है इस पर्सन ने, और आपने तकलीफ़ झेला है। ठीक है, ये पर्सन भी खुश नहीं है, ये पर्सन भी, इस पर्सन ने भी काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं मेंटली प्रेशर में आकर के। इन्होंने उस वक्त तो बहुत कुछ बोला है आपको, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपने आपके जो पर्सन हैं आपकी तरफ एक जो है अपना चाहते हैं रिलेशन। ठीक है, और यहाँ पे चाहते हैं कि रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपका और इनका इम्प्रूव हो। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है कार्ड्स बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो गई थी। ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा, पहले आप दोनों की एनर्जी जो थी ना बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड है ना, बैलेंस बनाने की कोशिश लेकिन सक्सेस ना होना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को जो है ना हील करना चाहते हैं, तो आपके साथ आपका जो पर्सन है ये कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कोशिश करेंगे कि आपके साथ फ्यूचर इनका बने, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा ये पर्सन नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आई है। जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक आप दोनों का फ्यूचर सेटल नहीं हो पाएगा, तब तक आप दोनों एक नहीं हो पाओगे। ठीक, यहाँ पे बैलेंस बनेगा तभी जाके सारी चीज़ें हो पाएंगी, आपके पर्सन को ये पता है। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।